पठान एक फिल्म नहीं अब तबाही बन चुकी है और ऐसा मंजर बन चुका है कि सिनेमा घरों के स्टाफ के साथ बदतमीजी पर भी लोग उतर आते हैं। यहाँ तक कि ऐसे हालात बन चुके हैं कि भाई कह रहे हैं टिकट ला और नहीं तो तेरे साथ अच्छा होने वाला नहीं है। जहाँ लोग देखा जाए तो लोग इस तरह से कह रहे हैं कि भाई तुम्हें किसी भी तरह से मुझे टिकट एडजस्ट करा, क्योंकि मुझे एक भी सोच में कहीं पर भी कोने में भी खड़ा कर देगा तो मैं देख लूंगा, बट मुझे तो टिकट चाहिए। इस तरह के हालात बन चुके हैं गाइस। और देखा जाए तो सिनेमा घर के जो ऑनर्स हैं, जो सिनेमा घर के स्टाफ हैं, वो देने को तैयार नहीं है। कारण क्या है तो गाइस मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पठान मूवी का 25 तारीख का भी शोज पूरा हाउसफुल जा रहा है मुंबई में सिनेपोलिस में। और देखा जाए तो देख सकते हो 26 जनवरी को भी पूरा शोज हाउसफुल जा रहा है, 27 जनवरी को भी पूरा शोज हाउसफुल जा रहा है, 28 जनवरी को भी पूरा शोज हाउसफुल जा रहा है, 29 जनवरी को भी हाउसफुल जा रहा है और 30 का तो आगे डेट ही नहीं दे रहा है। अगले 5 दिनों तक कोई भी सीट खाली नहीं है गाइज। ऐसे हालात बन चुके हैं और सिनेमा घर वाले यहाँ क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सामने वाला बंदा कह रहा है कि भाई मुझे टिकट चाहिए, टिकट दो, मुझे कोने में बैठा के दिखा देना, सीढ़ी में बैठा के दिखा देना, कहीं पर भी साइड में बैठा के दिखा दो, बट मुझे दिखा दो। जहाँ इस तरह से लोग डिमांड कर रहे हैं और एक बार में एक नहीं बल्कि पाँच पाँच दस दस टिकट बुक करा रहे हैं। और ऐसे में सिनेमा घर वालों के साथ लोग बदतमीजी पर भी उतर आते हैं और कह रहे हैं कि भाई मुझे टिकट तो चाहिए। वेल देखा जाए तो इस तरह का तबाही मचा हुआ है पठान को लेकर। और पठान का जिस लेवल का तबाही है ना गाइस, आज तक किसी भी फिल्म ने इस लेवल का तबाही नहीं देखा होगा या इस लेवल की तबाही नहीं आई होगी बॉक्स ऑफिस पर। गाइस इस लेवल की तबाही पठान को लेकर देखने को मिल रही है। वेल देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को देखकर यही कहा जा रहा है कि ये फिल्म इस बार बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में ही 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत ही आसानी से क्रॉस कर जाएगी पहले दिन। पहले ही दिन इंडिया में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी, ये ट्रेड एक्सपर्ट का कहना है। और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर लगातार टिकटें बुक हो रही है, देख सकते हो गाइज, एक भी शो अगले 5 दिनों तक नहीं मिल रहा है गाइज। आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है, क्या बुकिंग है यार, 600 का टिकट है गाइज, 600 रुपए का महंगा से महंगा टिकट बिक रहा है यार। 600 रुपए का, 600 रुपए का, यहाँ 900 रुपए का, जो 800-900 रुपए का टिकट है वो तक खाली नहीं है। तो सोचो क्या किया जाए, कोई सिचुएशन ही नहीं मिल रहा कि पठान को लेकर देखने के लिए। दोस्तों एक दिन की बात होती तो अलग होता है, दो दिन की बात होती तो अलग होता है, ये तो अगले 4-5 दिनों तक टिकट नहीं मिल रही, 4-5 दिन के सारे सोच रखे गए सारे के सारे बुक हो गए, अब क्या किया जाए। ऐसी सिचुएशन सिनेमा घर वाले भी क्या करें गाइस। तो ऐसे में दोस्तों आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है, ऐसे में सिनेमा घर वालों को क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट्स में अपने रिएक्शन जरूर दीजिए। मिलते हैं रिपोर्ट में जो कि होगा आपके लिए काफी।